हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बानिक स्मार्ट क्लास विद ए न्यू सेशन। मैं हूं आपका ज्योति। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नया कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपके एसएससी लेवल एग्जाम या बैंक लेवल एग्जाम में आप लोग डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों के लिए। ये कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है। किसके लिए? एसएससी वालों के लिए। बैंकिंग के एग्जाम में आता है, जब क्लर्क का एग्जाम देंगे आप वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है या कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन एसएससी लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन डेफिनेटली एक मार्क लेके आता है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ क्या है ये कॉन्सेप्ट या किसके वजह जिसके बारे में हम लोग आप यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे पहले आ गया आप लोगों का कॉन्सेप्ट फॉर द फाइंडिंग आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन व्हेन इन बिटवीन इज गिवन। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कब, जब दोनों के बीच वाले पर्सन हम लोगों के पास गिवन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किस कहां से आया? एक रैंकिंग एक टॉपिक है, आप लोग जाने होंगे, वहां से ये कॉन्सेप्ट आया है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन व्हेन इन बिटवीन इज गिवन। तो ये कैसे इन बिटवीन इज गिवन होगा? हम लोग के पास दो पर्सन गिवन रहेंगे, उनके बीच में कुछ पर्सन गिवन रहेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास दो मेथड है। क्या मेथड है? देखिए क्या मेथड। तो पहला वाला जो मेथड है हम लोगों का है विदाउट ओवरलैपिंग, या हम लोग को इसको बोल सकते हैं कि मैक्सिमम करके। सेकेंड वन वाला जो है ओवरलैपिंग है, या उसको हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम करके। अब आपके दिमाग में आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग या आप मैक्सिमम, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग या मिनिमम करके। क्लियर? तो ये दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए मैं कुछ आपको फिगर दिखा देता हूं, वो फिगर में आप लोग इजीली समझ जाएंगे। देखिए इन दोनों के लिए कि फिगर में लेके आऊं। विदाउट ओवरलैपिंग मतलब देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर दिया, ये फिगर में कुछ एंटिटी है, ए मेरा एक एंटिटी है, बी मेरा एक एंटिटी है, एक्स यहाँ पे मेरा एक एंटिटी है। तो देखिये ए जो है स्टार्टिंग से बैठा हुआ है, बी जो है एंडिंग से बैठा हुआ है, लेकिन एक्स जो है इन दोनों के बीच में बिठा हुआ। हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या था? फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन व्हेन इन बिटवीन इज गिवन। तो ये जो एक्स जो है ये हम लोगों का इन बिटवीन वाला पार्ट है, जो ए एक एंटिटी है, बी एक एंटिटी है, दोनों पर्सन उनके बीच में क्या बैठा है? एक्स बैठा है। और देखिए ए और बी किसी को कोई क्रॉस कर रहा है? नहीं, कोई किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये वाले जब फिगर आपके सामने क्रिएट होगा, इसका मतलब आपके दिमाग में आएगा विदाउट ओवरलैपिंग, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है। लेकिन सेकेंड वाला को देखिए, जब आप सेकेंड वाले को देखिए, यहां पे भी ए एक एंटिटी है, बी एक एंटिटी है, एक्स एक एंटिटी है, तो ए और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है? एक्स बैठा हुआ है। तो ए स्टार्टिंग से है, बी एंडिंग से है, एक्स इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। लेकिन यहां पे देखिए ए बी को क्रॉस कर जा रहा है और बी ए को भी क्रॉस कर जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कंसेप्ट क्या आ जाएगा, या ये फिगर आपके सामने जब आएगा इसका कंसेप्ट क्या आ जाएगा? ओवरलैपिंग। या ओवरलैपिंग का बात कर रहा है तो आप ये फिगर ड्रॉ कीजिए, विदाउट ओवरलैपिंग का बात कर रहा है तो आप ये फिगर ड्रॉ कीजिए। क्लियर? ये जो पार्ट है ये मैक्सिमम को ऑलवेज इंडिकेट करता है, ये मैक्सिमम पर्सन देता है, और ये जो पार्ट है ये मिनिमम आपको देता है। इसके ऊपर मैं अगर एक एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ या आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा, देन आप इजीली ऑल क्लियर समझ जाएंगे। क्लियर? तो चलिए चलते हैं कहां पे क्वेश्चन। पहला जो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? विदाउट ओवरलैपिंग या मैक्सिमम, उसके अकॉर्डिंग में एक क्वेश्चन लेके आए। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा। ये क्वेश्चन में पूछा है इन ए रो रीता इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड मीता इज 16 फ्रॉम द राइट। If there are five girls in between them, then find out the maximum number of girls in that class by या in that row भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दो पर्सन हम लोगों के पास गिवन है, एक है रीता एक है मीता, दोनों का पोजिशन गिवन है, एक का है 15 और एक का है 16, और उन दोनों के बीच में कुछ पर्सन बैठे हुए हैं जो कि है फाइव पर्सन या फाइव गर्ल्स भी आप ऐसे बोल सकते हैं। और क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है? देखिए मैक्सिमम ये पूछ रहा है, कभी भी आपको नहीं पूछेगा कि विदाउट ओवरलैपिंग, हमेशा क्वेश्चन में आपके सामने ये वर्डिंग रहेगा कि मैक्सिमम। देन आपके दिमाग में आएगा अगर मैक्सिमम का बात कर रहा है तो दैट मीन्स मुझे विदाउट ओवरलैपिंग वाला फिगर ड्रॉ करना है, या विदाउट ओवरलैपिंग वाला मुझे कंसेप्ट यूज करना है। तो चलिए कंसेप्ट दिखा देता हूं या फिगर में आपको दिखा देता हूं। आ गया आपके पास, ये मेरा रहा फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए आर जो है वो 15 पर है, कहां से? लेफ्ट से। एम जो है कहां पे है? एंडिंग से, 16 पर, और दोनों के बीच में फाइव लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन या ये फिगर हम लोग कहां से ड्रॉ किए? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम से ड्रॉ किए, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? तो मैक्सिमम निकालने के लिए पूछा है। इसका फॉर्मूला भी हम लोगों को जानना चाहिए।
फॉर्मूला से अगर जाएंगे बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला, देखिए इसका फॉर्मूला है एडिशन पोजिशन ऑफ बोथ पर्सन प्लस इन बिटवीन इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या है एडिशन पोजिशन ऑफ बोथ पर्सन प्लस इन बिटवीन, तो एडिशन ऑफ पोजिशन ऑफ द बोथ पर्सन, तो बोथ पर्सन यहां पे कौन कौन है, एक है पी और सॉरी एक है आर और एक है एम, एक क्या है आर है और क्या है एम है। तो ये दोनों पोजिशन का मतलब ये दोनों पर्सन का पोजिशन ऐड कीजिए, तो एक का पोजीशन कितना है 15 और एक का पोजीशन कितना है 16, इन दोनों का ऐड कीजिए, इन दोनों का अगर मैं ऐड कर रहा हूं दैट मींस वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, वैल्यू मेरा आ रहा है 31 करके, 15 प्लस 16 द वैल्यू विल बी 31। प्लस इन बिटवीन करना है, इन बिटवीन कितना गिवन दिया है, इन बिटवीन मेरे पास 5 गिवन दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 36 आ गया, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना आ गया मेरा 36 करके आ गया। देखिए ये भी लिखा भी होगा यहाँ पे, देखिए 15 प्लस 16 प्लस 5 इक्वल टू 36। ये क्या था, मैंने जो बोला कि पोजीशन ऑफ द एडिशन ऑफ द टू पर्सन प्लस इन बिटवीन प्लस आ गया मतलब सॉरी इक्वल टू आ गया मेरा कितना करके 36 मेरा आ गया। समझ में आ गया कि मैक्सिमम अगर पूछ रहा है तो हम लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, दोनों का पोजीशन ऐड कीजिए प्लस उसका इन बिटवीन कीजिए, निकल गया। कितना टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैक्स टू मैक्स 5 to 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिर्फ प्लस 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 कीजिए बात खत्म आंसर निकल जाएगा। क्लियर, तो चलिए सेकंड कंसेप्ट में चलते हैं या सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो था हम लोग का उसमें चलते हैं। क्या था सेकंड टाइप, देखिए सेकंड टाइप था ओवरलैपिंग या मिनिमम करके। देखिए यहां पे भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए रो रीता इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड मीता इज 16 फ्रॉम द राइट, इफ देयर आर 5 गर्ल्स इन बिटवीन देम देन फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट रो बा इन दैट क्लास भी पूछ सकता है। क्लियर, तो सेम क्वेश्चन है लेकिन यहां पे मिनिमम पूछा है, लास्ट टाइम क्या पूछा था हम लोगों को मैक्सिमम पूछा था। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हम लोग देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या आएगा देख लेते हैं, या पहला देख लेते हैं इसका फिगर क्या आएगा। देखिए इसका फिगर आएगा, इसका फिगर में क्या था देख लीजिए कि आर एक पर्सन था, एम एक पर्सन था, आर 15 था स्टार्टिंग से, एम एंडिंग से 16 था, इन बिटवीन 5 था। क्लियर, ये दोनों ओवरलैप दोनों को कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन किस पे पूछा है, क्वेश्चन हम लोग का मिनिमम में पूछा हुआ है। क्लियर, अब चलिए ये अगर हम लोगों का फिगर फाइंड आउट हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन लास्ट जैसे हम लोग देखे थे फॉर्मूला, यहां पर भी एक फॉर्मूला देखेंगे, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो चलिए फॉर्मूला क्या देख लेते हैं, तो फॉर्मूला इन लोगों का है, ये फॉर्मूला है आप लोगों के पास, एडिशन ऑफ पोजिशन ऑफ बोथ पर्सन, लास्ट टाइम भी वही था एडिशन ऑफ पोजिशन ऑफ बोथ पर्सन प्लस इन बिटवीन था वहां पे, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस इन बिटवीन और माइनस टू। आप लोगों को ये पार्ट पता है कि इन बिटवीन कहां से आया, क्योंकि इन बिटवीन मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, और ये एडिशन ऑफ पोजिशन ऑफ टू पर्सन कहां से आया ये मेरे पास गिवन है, लेकिन ये माइनस टू कहां से आया ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है, ये माइनस टू कहां से आया है। तो चलिए दिखा देता हूं माइनस टू कहां से आया। देखिए अगर मैं आर को काउंट कर रहा हूं, अगर मैं आर को काउंट कर रहा हूं, कहां से काउंट कर रहा हूं आर को, आर को मैं काउंट कर रहा हूं स्टार्टिंग से, तो इसका पोजिशन कितना निकल गया 15। लेकिन ध्यान से देखिए ये R के बीच में या R जब काउंट हो रहा है उसके बीच में मेरा M भी एक बार काउंट हो गया। क्लियर, तो M एक बार काउंट हुआ, R भी एक बार काउंट हो गया, लेकिन मैं काउंट किसको कर रहा था R को कर रहा था, काउंट बाय डिफॉल्ट कौन हो गया M काउंट हो गया। साइमेंटेनियसली या सिमिलरली आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मैं एम को भी काउंट कर रहा हूं, अगर कहां से एम को काउंट करूंगा, एम को एंडिंग से अगर काउंट करूंगा तो एम का पोजीशन कितना है 16, तो एम दो बार काउंट हुआ, लेकिन उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आर काउंट हो गया होगा, तो एम दो बार काउंट हो रहा है, आर दो बार काउंट हो रहा है, लेकिन वो पर्सन कितने हैं, वो पर्सन एक एक है, लेकिन काउंट कितने टाइम हो रहे हैं, दो दो टाइम काउंट हो रहे हैं, इसलिए यहां पर माइनस टू किया गया है, यहां पे माइनस टू किया गया है। समझ में आ गया कि पर्सन दो है लेकिन काउंट टू टाइम्स हो रहे हैं, तो इसलिए माइनस टू किया गया है। तो चलिए ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आ गया एडिशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द बोथ पर्सन कितना आएगा 15 प्लस 16 माइनस 5 माइनस 2, तो इन दोनों का एडिशन है 31 माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 7, द वैल्यू आ गया 24 करके। तो मैक्सिमम हम लोग का कितना निकला था, मैक्सिमम हम लोग का निकला था 36 करके, और यहां पे मिनिमम कितना निकल गया
24 करके। लेकिन अभी भी दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि फाइंड आउट द टोटल नंबर हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग क्यों मिनिमम में गए, क्यों मैक्सिमम में गए। देखिए, जब बात आता है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, देन हम लोग को दिमाग में ये रखना है कि मे बी वो मैक्सिमम में जा सकता है, मे बी वो मिनिमम में जा सकता है। इसलिए फर्स्ट हम लोगों को ये दो चीज निकालना बहुत जरूरी है, मिनिमम कितना होगा या मैक्सिमम कितना होगा। अगर ये दो चीज निकल गया अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए यहां पे क्या है, क्या था क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन था, इन ए रो इज रीता इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड मीता इज 16 फ्रॉम द राइट, इफ देयर आर 5 गर्ल्स इन बिटवीन देम देन फाइंड आउट द टोटल नंबर, फाइंड आउट द टोटल नंबर। देखिए फाइंड आउट अगर टोटल नंबर पूछ रहा है तो टोटल नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, वन है मैक्सिमम और अनदर है मिनिमम। एक को हम लोग डिवाइड करेंगे मैक्सिमम में और एक को डिवाइड करेंगे मिनिमम में। तो मैक्सिमम का वैल्यू हम लोग निकाले थे 36 और मिनिमम का वैल्यू निकाले थे 24। तो दैट मीन्स यहां पर ये दो पॉसिबिलिटी है, यहां पर ये दो पॉसिबिलिटी है, एक का है 36 और एक का है 24। द 36 विल बी मैक्सिमम एंड द 24 विल बी मिनिमम करके है। लेकिन आप डिसाइड करेंगे कहां पे आंसर इसका, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ऑप्शन अगर आपके सारे के सारे ऑप्शन मैक्सिमम में दिए हुए हैं, दैट मींस यू कैन चूज द मैक्सिमम। अगर सारे के सारे के ऑप्शन आपके मिनिमम में दिए हुए हैं, देन यू कैन चूज मिनिमम। द एग्जांपल फॉर द ले लेते हैं ऑप्शन वाला, पहला ऑप्शन है 20, सेकेंड वाला ऑप्शन है 21, थर्ड वाला ऑप्शन है 24 एंड द फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, फोर्थ वाला ऑप्शन है आपके सामने ले चलिए 23। देन आप क्या लगाएंगे, देन आप लोग यहां पे 24 ही लगाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जो ऑप्शन है वो मिनिमम में आ रहे हैं, तो 24 से कम तक नहीं आ पाएगा और 36 से ज्यादा ये नहीं जा पाएगा। तो कंफर्म ये बात समझ में आ गया। तो साइमल्टेनियसली अगर मैंने ऑप्शन मैंने दे दिया 36, दूसरा ऑप्शन दे दिया 38 एंड द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी 29 एंड द फोर्थ ऑप्शन विल बी 40, देन यू कैन चूज द 36, क्योंकि मैंने क्या बोला 24 से नीचे नहीं जाएगा, 36 से ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर, कंफर्म, आया समझ में। आई होप कि मैंने जो कंसेप्ट पढ़ाया आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करना है, मिनिमम कैसे फाइंड आउट करना है और टोटल नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपका क्वेश्चन मैक्सिमम में पूछ रहा है तो देन आप इजिली निकाल सकते हो, अगर मिनिमम में पूछ रहा है इजिली निकाल सकते हो, अगर टोटल पूछ रहा है तो देन मिनिमम को निकालिए, मैक्सिमम को निकालिए, उसके थ्रू ऑप्शन में चलिए कि कौन सा ऑप्शन किस तरह से सेटिस्फाई हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप आपका आंसर दे सकते हैं। आई होप पूरा का पूरा वीडियो में जो भी मैंने कंसेप्ट पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा सेशन तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।